हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे क्लास 9 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके फाइनल एग्जाम में आने की बहुत चांस है। ठीक है, तो इस वीडियो का आप लास्ट देखिएगा और अगर इस वीडियो से आपको थोड़ा सा भी मदद मिले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको इसी प्रकार से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो सब आपको हम प्रोवाइड करेंगे। तो आज हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 9 क्लास का चैप्टर नंबर हम 2 देखेंगे, उससे जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और जो प्रीवियस साल यानी कि पिछले साल का जो क्वेश्चन पूछा हुआ वो भी आपको हम बताएंगे। और प्रीवियस साल क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा तो आपको हो सकता है कि इस एग्जाम में मिल जाए, क्योंकि रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है, कई क्वेश्चन ऐसे जो पिछले साल पूछा और इस बार भी पूछेगा। ठीक है, तो आपको सभी चैप्टर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा। तो हमारा वीडियो जो भी आपको देखना है सभी चैप्टर का अगर आप देख लोगे तो जैक बोर्ड का आपका मार्क्स जो है अच्छा ग्रेड आएगा। ठीक है, तो देखेंगे क्लास चैप्टर नंबर 2 क्लास 9 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो चलो हम लोग देखते हैं बिना क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलीनोमियल, पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलीनोमियल। अभी जो क्वेश्चन बताया ये 2022 में पूछा हुआ है, फाइनल एग्जाम में 2022 का क्वेश्चन आपको अगर कोई सेट होगा क्वेश्चन होगा तो आप देख लो 2022 का फाइनल में पूछा हुआ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलीनोमियल, पूछ रहा है कि इसमें से दिया हुआ चार ऑप्शन उसमें से कौन सा पॉलीनोमियल है। तो देख लो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में 3 रूट अंडर एक्स प्लस एक्स रूट 2 ये दिया, बी में दिया एक्स स्क्वायर प्लस रूट 2 और सी में दिया एक्स प्लस रूट 3 और डी में दिया 2 रूट एक्स प्लस एक्स। ये बता इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो पूछा है पॉलीनोमियल। तो एक पॉलीनोमियल के लिए एक बात याद रखना कि पॉलीनोमियल कब कहेंगे, जब भी वेरिएबल का पावर, वेरिएबल कोई भी वेरिएबल है, कोई भी वेरिएबल का पावर पावर जो है वो होल नंबर होना चाहिए, होल नंबर पूर्णांक संख्या जैसे कि 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 सब होना चाहिए, वेरिएबल के पावर होल नंबर होना चाहिए उसको पॉलीनोमियल कहेंगे। यहाँ पर देखो वेरिएबल, तो यहाँ पर तो होल नंबर है कि नहीं, पर ये भी तो एक्स वेरिएबल है, ये होल नंबर नहीं है क्योंकि रूट इसका मतलब क्या 1/2, तो क्या होल नंबर मिलता है नहीं, तो ये ऑप्शन हमारा खत्म हो जाएगा। ये ऑप्शन देख लो इसमें होल नंबर तो मिल रहा है और यहाँ पर कोई वेरिएबल नहीं, ये कॉन्स्टेंट वेरिएबल, कॉन्स्टेंट में ये रूट रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, कॉन्स्टेंट में ना हम वेरिएबल की बात की। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। बाकी ऑप्शन नंबर सी में देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर हमारा सी है, यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर जो बी है उसमें यहाँ पर 2 नहीं बल्कि एक्स है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा सही, क्योंकि इसमें तो है होल नंबर पर इसमें नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्वेश्चन नंबर सेकंड द डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल, डिग्री बताना है पॉलीनोमियल का कितना होगा, ये हमारा दिया हुआ है, ये पॉलीनोमियल है, इसका बताना है कि डिग्री क्या होगा, इसका बताओ इसका डिग्री क्या होगा। तो डिग्री हम उसी को कहते हैं जो ये पावर है ना, पावर वही डिग्री होता है। ठीक है, जैसे कि एक और ये है 7 के पावर एक्स के पावर 7 एक्स 6 इस प्रकार का है कि ना, ये है, तो हाईएस्ट पावर जो होती है वही होती है डिग्री, तो यहाँ पर डिग्री हो जाएगा 7, यहाँ पर तो एक ही वेरिएबल है तो डिग्री क्या हो जाएगा 1, ऑप्शन नंबर सेकेंड क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। यही क्वेश्चन इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछा है 2017 में, ये 2022 का क्वेश्चन नंबर अभी जो भी बता रहे हैं 22 का चल रहा है। ठीक है, 2017 में यही क्वेश्चन पूछा है, ऐसे ही आपको हम बता रहे हैं, इसको साफ कर रहे हैं। 22 में क्वेश्चन पूछा है, देखो कैसे पूछा है, 22 में कह रहे हैं 2017 में क्वेश्चन पूछा है 2017 में कि इस प्रकार के दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, इसका पूछा है डिग्री क्या है। ठीक है, इसका डिग्री कितना होगा, इसका डिग्री हो जाएगा 2। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। और भी पूछा है, दो क्वेश्चन था क्योंकि 2017 में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं था, सब्जेक्टिव था, तो ये भी है, इसका भी पूछा है डिग्री कितना होगा। ठीक है, तो इसका डिग्री बताओ कितना होगा, तो वेरिएबल का पावर 1 दिख रहा है, ये कोफिशियंट होता है, ये पावर डिग्री होती है, तो इसका डिग्री 1 हो जाएगा। ठीक है, तो डिग्री हो जाएगा 1, आए समझ में। तो जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है ना, हम आपके लिए सब चैप्टर 2 से हम अभी पढ़ रहे हैं चैप्टर 2। ठीक है, चैप्टर 2 का सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट देख रहे हैं, तो जो भी चैप्टर 2 का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो बता रहे हैं आपको, तो वीडियो को देखना अच्छे से और समझना, और कैसा लगा वो जरूर। क्वेश्चन नंबर 3, द वैल्यू ऑफ पॉलीनोमियल 5x-4x+3 फॉर x=0 विल बी, यहां पर इस पॉलीनोमियल का वैल्यू पूछ रहा है 5x-4x²+3 जबकि दिया हुआ है x बराबर क्या है 0, इसका वैल्यू पूछा है, तो x का वैल्यू रख दो, तो इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 5×0-4×0²+3, ये 0 ये भी 0 और ये हो जाएगा 3। ठीक है, ये ऐसे हो गया, तो ये सब मिला करके क्या होगा 3, ऑप्शन 3 मतलब किस में है, बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। ठीक है, ये भी 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये फाइनल एग्जाम में पूछा है, देखो कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा है, हाँ लेकिन थोड़ा सा समझ में गलती हुई तो बन जाएगा गलती, आपका एक नंबर चला जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखो बनेगा या नहीं, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 0 ऑफ पॉलीनोमियल, एक पॉलीनोमियल दिया है x बराबर x
प्लस फाइव, इसका जीरो पूछ रहा है कि जीरो क्या होगा, ठीक है, जीरो क्या होगा। तो जीरो मतलब होती है कि आप इसमें एक्स का कौन सा वैल्यू बैठाएंगे कि इसको सॉल्व करने पर जीरो आ जाए। तो कुछ नहीं करना, सिंपल में इसी को हम मान लेंगे कितना बराबर जीरो, एक्स प्लस फाइव बराबर जीरो, ठीक है, एक्स बराबर क्या हो जाएगा माइनस फाइव, यही हो गया हमारा आंसर। तो माइनस फाइव किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर हमारा माइनस फाइव सी में है, ऑप्शन नंबर सी इसका सी हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर फोर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखो यहाँ से 2017 में कैसे पूछा हुआ है, 2017 में कैसे पूछा हुआ है, जीरो वहां भी पूछ रहा है, x प्लस टू दिया हुआ है, px बराबर दिख रहा है ना आपको, ये दिया हुआ है, इसमें जीरो पूछ रहा है, तो बताओ इसका जीरो क्या होगा। तो क्या बताएं कि जो जिसका पूछेगा उसको मान लेंगे जीरो, और x इधर इधर प्लस टू में उधर जाएगा तो माइनस टू में, इसका जीरो हो गया माइनस टू। 2018 में देखो पूछा हुआ है, 2018 में कैसे पूछा हुआ है, 3x माइनस टू इसका जीरो पूछा है, तो क्या करेंगे सिंपल में इक्वल टू जीरो कर देंगे, टू इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, x इधर x के साथ 3 मल्टीप्लाई में तो उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर सॉल्व करें 3x बराबर 2 यानी कि x बराबर 2 बाई 3, इसका जीरो ये हो गया। आ रहा समझ में, चलो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखो और बताओ इसका सॉल्यूशन क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा क्या जा रहा है, व्हेन x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 1 इज डिवाइडेड बाय x प्लस 1 देन रिमाइंडर विल बी, तो हमें रिमाइंडर बताना है कि क्या होगा, ठीक है, इतना से डिवाइड करना है इसमें और बताना है कि रिमाइंडर क्या होगा। ये 2022 का क्वेश्चन है, ठीक है, 22 में पूछा हुआ है, क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है। अब देखो जब भी रिमाइंडर पूछे तो कुछ नहीं करना है, इसका हम जीरो, इसका जीरो मान लेंगे, जिससे डिवाइड करना है उससे जीरो मानेंगे, नहीं तो आप लंबा विधि वाला से बना सकते हो तो इतना टाइम वेस्ट क्यों करना है, जब इससे हमारा जल्दी बन जाएगा। तो ए प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, अब इसका वैल्यू रख देंगे इसमें, जो सोल्व करके आएगा वो हमारा रिमाइंडर हो जाएगा, तो रख दो, तो यहाँ रख देते हैं x का माइनस वन है, माइनस वन रख दे, प्लस थ्री माइनस वन का स्क्वायर माइनस वन, अब माइनस वन ये जैसे वैसे है थ्री प्लस, अब ये थ्री और माइनस वन का स्क्वायर कितना होगा, वन होगा, ठीक है, आता नहीं समझ में, माइनस वन इंटू माइनस वन यानी कि माइनस माइनस उधर हो जाता है प्लस वन, तो प्लस वन और माइनस वन, अब इसको सोल्व कर माइनस वन प्लस थ्री माइनस वन, तो माइनस वन और माइनस वन माइनस टू लिख दें प्लस थ्री, अब इसको सोल्व करेंगे तो कम होगा, ये कम होगा मतलब सब्ट्रैक्ट होगा, और जिसका जो बड़ा चिन्ह रहता है उसी का यहाँ पर रहता है, तो वन किस ऑप्शन में है, वन बता, ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। एक और क्वेश्चन पूछा 2019 में, ऐसे ही रिमाइंडर पूछा है, ठीक ना, 2019 का क्या क्वेश्चन है देखो, इसको सॉल्व करने का प्रयास करना, 3x प्लस सॉरी x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इसको किससे डिवाइड करना है, इसको करना है x माइनस 1 बाय 2 से डिवाइड, ये आपके बुक का क्वेश्चन है, इससे डिवाइड करना, तो अभी हम क्या बोले कि यहाँ पर हम x का वैल्यू ले लेंगे, इतना इक्वल टू जीरो तो इतना आ गया, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा ऊपर सॉल्व करते हैं, इसको मिटाते हैं, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 5 का सॉल्व कर रहे हैं जो कि ऑप्शन नंबर बी सही है, ये 2019 का बता रहे हैं कि जो आया हुआ एग्जाम में है, तो आप बताओ इसमें रख रहे हैं, ठीक है, तो x क्यूब फिर से ऊपर हम लिख ले रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 वैल्यू रख दें x का, तो बताओ x का वैल्यू 1 बाय 2 है, रख दें क्यूब प्लस 3 1 बाय 2 स्क्वायर 3 1 बाय 2 प्लस 1, ठीक है, ये रख दें और इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा, और ये क्यूब दोनों को मिलेगा, ये पावर है ना दोनों को मिलता है, तो वन का क्यूब वन ही रहेगा, टू का क्यूब एट हो जाएगा, होगा ना, दो गुने दो एट हो जाएगा, फिर थ्री इंटू वन का स्क्वायर वन, दो का स्क्वायर चार, फिर थ्री इंटू वन बाय टू प्लस वन, अब यहाँ से वन बाय एट और ये हो जाएगा थ्री बाय फोर, और यहाँ से हो जाएगा थ्री बाय टू प्लस वन, एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम बताओ, तो एलसीएम इसका एट आ जाएगा, निकाल के आप देख लेना, एट आएगा, इसको डिवाइड करेंगे एक, इसको डिवाइड दो, छः हो जाएगा, और इसको इससे डिवाइड चार, चार तीन बारह हो जाएगा, प्लस आठ बीस और सात सत्ताईस, यानी कि इसका 27/8 आंसर, इसका रिमाइंडर कितना आएगा, ये 2019 में पूछा हुआ है, ठीक ना। तो आपको सभी हम क्वेश्चन बता रहे हैं, और अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, ताकि उससे हमको पता चलता है कि आपको पसंद आया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 बताइए कैसे बनेगा, इसका आंसर ऑप्शन बताइए कौन सा होगा सही। क्वेश्चन नंबर 6 है, द फैक्टराइजेशन ऑफ इसका 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1, ठीक है, इसका फैक्टराइजेशन बताने के लिए ऑप्शन कौन सा होगा, ठीक ना, ये 2022 का क्वेश्चन है, 2022 के फाइनल एग्जाम में पूछा हुआ है, इसका बताओ कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए देखो, ऑप्शन नंबर ए, तो देखो जब भी फैक्टराइजेशन पूछता है, ऑप्शन दे करके पूछता है, तो आपको कुछ नहीं करना है, इसी को सिंप्लीफाई करो, ऑप्शन नंबर ए को पहले चेक करो कि यही तो नहीं है, ठीक है, इसको पहले चेक करें, तो क्या करें, मल्टीप्लाई करके देखेंगे, बारी बारी से दोनों मल्टीप्लाई करते हैं, तो हो जाएगा 12x स्क्वायर, इसको इससे करेंगे तो माइनस 3x, फिर इसको इससे करेंगे तो हो जाएगा माइनस 4x, और माइनस 1 को माइनस 1 से करेंगे तो प्लस 1,
तो हो जाएगा 12x² - 7x + 1। तो यही ऑप्शन मिल रहा है, देखो मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बताओ कौन सा ऑप्शन होगा, मिटाएं इसको। चलो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है, ये भी 2022 का ही क्वेश्चन है, 2022 का है। अब क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर, बोल रहा है कि x माइनस 1 फैक्टर है, किसका, इसका है, दिया हुआ है px बराबर x² प्लस एक्स प्लस के, ये दिया हुआ है। देन द वैल्यू ऑफ के विल बी, के का वैल्यू पूछ रहा है कि क्या होगा, के का वैल्यू यहाँ पर पूछा जा रहा है कि क्या होगा। तो ये कैसे इसको सॉल्व करेंगे, 2022 में पूछा क्वेश्चन, ऑप्शन देख लो, ऑप्शन ए में है 1, बी में है 2, सी में है -1 और डी में है -2। तो बताओ कैसे इसको सॉल्व करेंगे, जब भी ये फैक्टर है, ये इसका फैक्टर है, ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर मान लेंगे 0 और यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे, x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और ये जबकि इसी का फैक्टर है, तो इसको हम 0 के इक्वल ऐसे दिखाएंगे, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आपको 2-3 बार रिविजन कर लेना है, ठीक ना। और इसको x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू 1, यहाँ पर 1 बैठा देंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस k बराबर 0, यहाँ 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस k बराबर 0, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, और 2 इधर है प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में, तो k का वैल्यू क्या आ गया -2। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा सही, क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, ये 2022 में क्वेश्चन पूछा था, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, देखो कैसे इसका होगा, क्वेश्चन नंबर 8 का क्या सॉल्यूशन होगा। ये क्वेश्चन नंबर 8 22 में, तो ये क्वेश्चन नंबर 8 जो है 2018 का है, 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2018, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसमें पूछ रहा है कोफिशियंट ऑफ एक्स, कोफिशियंट पूछ रहा है कि एक्स का कोफिशियंट क्या है, जबकि हमारे पास दिया हुआ है ये, ठीक है, इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट पूछा जा रहा है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट क्या होगा। ऑप्शन में आप देख सकते हो, ऑप्शन में कौन सा होगा, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर ऐसे है माइनस है, इसका कुछ नहीं तो 1 तो छिपा है, तो -1 हो जाएगा इसका सही, ठीक है। अब को किस तरह अगर ऐसे रहेगा तब इसका कोफिशियंट क्या होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा +1 कोफिशियंट, लेकिन प्लस हम लोग लिखते नहीं, सिर्फ 1 कर देते हैं, ठीक है, लेकिन माइनस आपको देना पड़ेगा। तो ये हो गया कोफिशियंट, ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, -1 किस में है, -1 ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा करेक्ट, 8 का ऑप्शन नंबर सी। अब देखो 2019 में कैसे पूछा हुआ है, 2019 में पूछा हुआ है, दिया हुआ है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ऐसे दिया हुआ है, इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट पूछ रहा है, तो इसमें बताओ एक्स स्क्वायर का, तभी बताए ना, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 2019 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा कब का पूछा हुआ है, 2019 का क्वेश्चन है। चलो तो इसमें क्या पूछ रहा है, फैक्टराइजेशन ऑफ, इसको फैक्टराइजेशन पूछ रहा है, तो ये दिया हुआ हमारे पास, और इसको फैक्टराइज करना है, तो ऑप्शन देख लो, ऑप्शन आप देख लो, उसी से आपको पता चलेगा, तो ऑप्शन ही सॉल्व करो, क्योंकि इसको फैक्टराइज कर थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए बेटर रहेगा कि ऑप्शन ही सॉल्व कर डालो। तो ये हो जाएगा 2x + 1 और ये x + 3, बताओ ये ऑप्शन से ये क्या है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2x² फिर इसको इससे करेंगे प्लस 6x फिर इसको इससे करेंगे तो हो जाएगा प्लस एक्स और फिर इसको इससे करेंगे तो प्लस 3, तो क्या आ रहा है, तो यहाँ पर ये 7x + 3 यही ऑप्शन है, ठीक है, ऐड करने पर 7x आ गया और ये 3, ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका करेक्ट, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर ए हो गया सही। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बाकी और सब करना, ये सब ऑप्शन ये मिलेगा ही नहीं, ये मिलेगा ही। चलो क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है, जो 2019 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 हमारा 2019 का क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें पूछ रहा है ये तो फॉर्मूला ही है, ये फॉर्मूला है, पूछा है ये डॉट डॉट क्या होगा, ठीक है, तो इसमें बताओ क्या होगा, x³ + y³ = क्या होती है, x³ + y³ = क्या होती है, इस पर क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, ठीक ना। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा ये हमें बताना, ठीक है, बिल्कुल ये बुक का फॉर्मूला है, बुक में देखना मिल जाएगा, ठीक है, तो ये आपके लिए है। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 में बोला जा रहा है इफ, देखो इसमें दिया हुआ है इज डिवाइडेड बाय, इसको भी डिवाइड करना है, 2019 का क्वेश्चन, 19 में पूछा हुआ है, 2019 का और ये 19 में पूछा हुआ है, इफ x³ - 3x² + 3x + 1, और हमें उम्मीद है कि आपसे जरूर बनेगा, इसे x से डिवाइड करना है। अभी क्या बोले कि अगर जिससे डिवाइड करना रहेगा उससे क्या दिखा देंगे, 0, लेकिन या तो x प्लस ना माइनस कुछ दिया हुआ नहीं, क्या दिखाएंगे, तो इसी को 0 दिखा देंगे, जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ 0 बैठा दो, यहाँ पर x दिख रहा है 0 बैठा दे, यहाँ भी x दिख रहा है 0 बैठा दे, यहाँ भी x दिख रहा है 0 बैठा, जो भी ये 0 वाला पार्ट है मल्टीप्लाई होगा तो सब 0, यानी बचेगा +1, तो +1 किस में ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा करेक्ट,
ठीक है, आ रहा है मजा तो दोस्तों जरूर कमेंट करना, लाइक करना, हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, ठीक है, ताकि आपको इस प्रकार का वीडियो मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर हमारा 11 था, चलो अब हम मेरा क्वेश्चन इधर 12 क्वेश्चन है, जो कि ये आपके रिवीजन के लिए हम दिए हैं, जो भी पूछा हुआ क्वेश्चन था वो हम आपको सभी बता डाले हैं। अब जो क्वेश्चन है आपके रिवीजन के लिए क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 12 है। अब ये किसी ईयर में नहीं पूछा है, लेकिन इस ईयर में पूछने वाला है, ठीक है, चलो तो ध्यान देना है, इस सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे में पहला क्वेश्चन 12वां क्वेश्चन है और आपसे उम्मीद है कि जरूर ये बनेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलीनोमियल, क्वेश्चन नंबर 12 आप देखिए पूछ रहा है कौन सा पॉलीनोमियल है। ऑप्शन नंबर देखो, ऑप्शन नंबर पहला ऑप्शन नंबर है x माइनस 1 बाय x प्लस 2, ऑप्शन नंबर बी है 1 बाय x प्लस 2, और हमें उम्मीद है कि आप इसका आंसर जरूर दे दिए, ठीक है, इसका ऑप्शन आपको जरूर पता है, बता दो कौन सा होगा। हम अभी बताएं कि पॉलीनोमियल होने के लिए वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए, होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से 1 2 3 4 एस सर, बताओ किसमें है ऐसा कंडीशन, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, क्योंकि ये यहाँ है ऊपर जाएगा, कोई भी नीचे से ऊपर जाता है तो ये नेगेटिव बन जाते हैं, नेगेटिव होल नंबर थोड़े आते हैं, नहीं, ऑप्शन नंबर ए कैंसिल, ये भी कैंसिल नीचे है, ये भी कैंसिल क्योंकि रूट में है। एक बात ध्यान रखना, अगर रूट में तुमको मिले या फिर बटा में फिर भी मिले तो वो ऑप्शन होगा ही नहीं, ठीक है, वो ऑप्शन इतना याद रखना, वो ऑप्शन होगा ही नहीं। ऑप्शन नंबर डी बचा है तो डी ही है। अब बताओ कि सर ये कैसे है, तो बिल्कुल है, क्योंकि ये कांस्टेंट पॉलीनोमियल है, और कांस्टेंट पॉलीनोमियल मान लो कि एक्स हम लिख दें, एक्स के पावर कुछ नहीं तो जीरो लिख सकते हैं, क्योंकि इसका वैल्यू क्या होता है, किसी के पावर जीरो होती है तो उसका वैल्यू वन होती है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या ये होल नंबर है कि नहीं, तो बिल्कुल है, जीरो से स्टार्ट होती है तो ये पॉलीनोमियल है, ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13 बताओ इसका ऑप्शन क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 13 का कौन सा ऑप्शन होगा, तो क्वेश्चन नंबर 13 बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बाइनोमियल, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 बाइनोमियल पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर आपको हम थोड़ा सा और बता दे रहे हैं कि मोनोमियल, ठीक है, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल, ठीक है, मोनोमियल में क्या होती है कि उसमें एक टर्म होती है, एक टर्म होती है, जैसे कि अगर हम क्वेश्चन नंबर 13 में ही लें तो ऑप्शन नंबर जो सी हमारा है वो मोनोमियल कहलाएगा, ऑप्शन नंबर डी है वो ट्राइनोमियल कहलाएगा, खैर ये तो पॉलीनोमियल नहीं है, अगर तीन टर्म जिसमें तीन टर्म उसको ट्राइनोमियल, जिसमें दो टर्म उसको बाइनोमियल, जिसमें एक टर्म उसको मोनोमियल, क्लियर, बताओ इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा बी, क्वेश्चन नंबर बी मतलब 13 का बी सही, बाइनोमियल पूछा है इसमें दो टर्म है एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो ये हो जाएगा हमारा सही। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं और इसका हमें उम्मीद है कि आप जरूर आंसर बता दिए, बोलो इसका आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 14 का, क्वेश्चन नंबर 14 बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 है रूट थ्री इज ए पॉलीनोमियल ऑफ डिग्री, अब लो रूट थ्री का ये पॉलीनोमियल है, इसका डिग्री पूछा जा रहा है, अभी अगर ध्यान दिया होगा क्वेश्चन नंबर 12 में तो वहीं पर हम बता डालें इसका आंसर, ठीक है, तो इसका डिग्री कि हम बोले किसी का पावर बोलते हैं डिग्री, तो यहाँ पर डिग्री हो जाएगा जीरो, मतलब ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा करेक्ट, समझ में आ रहा है कि नहीं हमें जरूर बताना। क्वेश्चन नंबर 15 ये सब आपके मेहनत के लिए है, ठीक है, हम आपके लिए मेहनत किए ताकि आपका एग्जाम अच्छा जाए, ठीक है, आपकी ग्रेड अच्छा है, यही हमारे मंजिल है, ठीक है, चलो तो क्वेश्चन नंबर 15 बता दो कौन सा ऑप्शन होगा, इफ px बराबर दिया 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 देन p माइनस 1 इक्वल टू 1, ओके, तो ये वैल्यू हम पुट कर देंगे, जो पूछा x के जगह पर माइनस 1 पुट कर दो, तो यहां पर पुट कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, पुट करेंगे तो 5 - 1 - 4 - 1 का स्क्वायर प्लस 3, ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बोलो माइनस 1 होगा, ठीक है, माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1, जिस पर भी स्क्वायर है माइनस अंदर में है तो प्लस 1 के निकलेगा, तो यहाँ तो माइनस 4 के 4 ही रहेगा प्लस 3, माइनस प्लस ये माइनस ऐड हो जाएगा, चिन्ह सेम है और ये प्लस 3, डिफरेंट डिफरेंट होता है तो घटता है, याद रखना माइनस 6 जिसका बड़ा उसी का चिन्ह, माइनस 6 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, ओके, 15 क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16 बताओ कौन सा होगा, जल्दी से बताओ क्वेश्चन नंबर 16 इसका ऑप्शन क्या होगा, और अगर आ रहा है समझ में तो बताइए आपके आपको क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 16 चलो, व्हेन px इसमें दिया हुआ है px बराबर दिया x³ + ax² + 2x + a इज डिवाइडेड बाय x + a, और इसका तो कितना स्टूडेंट को तो आंसर भी याद हो गया है, ठीक है, इसका तो कितने स्टूडेंटों को आंसर याद हो गया, और पक्का है कि वो मार्क आएंगे और ये 5A जहां पर ये दिखेगा 5A उसे में टिक मारें क्योंकि वो रट के बैठ चुके हैं, ठीक ना, तो आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना है, क्वेश्चन वहाँ बदल सकता है थोड़ा सा, आपको लगे कि मेरे बुक का ही क्वेश्चन है पर इसमें थोड़ा सा चेंजिंग हो सकती है, इसलिए आप इसको
कुछ वैल्यू बैठा करके देख लेना, कंफर्म हो लेना, तभी ऑप्शन मारना, ठीक है। नहीं तो ध्यान जहाँ हटा वहाँ दुर्घटना घटा। ऑप्शन नंबर बताओ तो क्या बोले हैं, डिवाइड करना है और इसमें रिमाइंडर पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 है, इसमें रिमाइंडर पूछ रहा है, ठीक है। तो क्या बोले, इसको मान लेंगे जीरो, और बताओ यहाँ से ए का वैल्यू क्या, जो माइनस ए, माइनस ए एक्स के जब रख देंगे तो यहाँ पर रखेंगे माइनस ए, तो बोले हैं कि पावर अगर ऑड है तो नेगेटिव में रहेगा और इवन है तो पॉजिटिव बन के निकलेगा। तो ये हो गया ऐसे, और इसका आएगा आंसर, इसको थोड़ा सा साफ कर लेते हैं। चलो तो इसको पुट कर दिए, तो बताओ क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस ए क्यूब, और यहाँ पर भी ये बोले कि इवन नंबर है तो प्लस बन के निकलेगा, प्लस पहले से बाहर है, ए क्यूब हो जाएगा क्योंकि ए स्क्वायर यहाँ और ए वन यहाँ, तो ए क्यूब हो जाएगा। इसके बाद माइनस टू ए प्लस ए कैंसल, माइनस टू ए प्लस ए इक्वल टू माइनस ए, ऑप्शन नंबर किसमें है, जिसमें है वो ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 बताओ इसका ऑप्शन कौन सा होगा। अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट हो, कोई क्वेश्चन ना बने तो हमें जरूर बताना, हम उसको जरूर सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, और बिना हिचकिच के किसी क्वेश्चन, थोड़ा सा भी माइनस प्लस में भी डाउट हो तो आप बिना किसी डाउट के पूछ सकते हैं, बिना किसी की क्या क्या सर कहें कि हम इतना छोटा छोटा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल अपने क्लास के जैसे, जैसे कि तुम मेरे सामने बैठ के पढ़ रहे हो उसी के जैसे तुमको सवाल करना, थोड़ी से भी डाउट हो, कहीं भी डाउट हो जरूर पूछना, हम उसको जरूर बताएंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 है, इसमें बोल रहा है इफ एक्स प्लस 5 इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। अब वही क्वेश्चन जो हम ये बता चुके हैं और हमें उम्मीद है कि ये सब जरूर आपसे बनेगा। ये दिया हुआ क्वेश्चन है 5k, ठीक है, इसमें k का वैल्यू पूछ रहा है और फैक्टर दिया हुआ है एक्स प्लस 5, ठीक है। यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे, x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा माइनस 5। इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा 17 आपको ये फैक्टर दिया हुआ है और ये इसमें k का वैल्यू पूछ रहा है, तो यहाँ पर हम मान लेंगे इसको जीरो, क्योंकि पिछले बता चुके हैं, तो x का वैल्यू क्या माइनस वन, माइनस वन इसमें पुट कर देंगे, k का वैल्यू निकल जाएगा, तो हो जाएगा हमारा एक्स क्यू माइनस 20x प्लस 5k इक्वल टू जीरो। x का वैल्यू कितना है माइनस 5, तो माइनस 5 बैठा देंगे, तो ये माइनस 5 बैठा रहे हैं और ये हो जाएगा हमारा k का वैल्यू, k को ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। यहाँ पर ऑड क्या है, पावर ऑड है तो माइनस रहेगा, लेकिन 5 का कितना होता है 125 माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 20 को 5 से करेंगे 100 प्लस 5k इक्वल टू जीरो। अब बताओ यहाँ से कितना बचेगा, 125 में से 100 जाएगा तो माइनस 25 बचेगा, प्लस 5k और माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि 5k इक्वल टू 25, तो k इक्वल टू 5, ठीक है, k इक्वल टू 5, ऑप्शन नंबर हमारा सही है। किसमें ऑप्शन है जो भी है वो सही हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 18 में बोलो क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 18, और इसमें बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 हम आपके लिए लाए हैं ताकि आपको तो पता ही है कि ये आप या तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके आंसर ला सकते हैं, या फिर जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके लिए ये मल्टीप्लाई करके बताना कि हमें कौन सा ऑप्शन सही मिला, ओके। आप इसको वो मेथड बताया गया है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 300 प्लस 5, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे जल्दी जल्दी 300 प्लस 8, ठीक है। यहाँ से आपको फॉर्मूला याद होगा कि फॉर्मूला है ए एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, इस फॉर्मूला पर इस फॉर्मूला का क्या होता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ए प्लस बी प्लस ए बी, ये होता है फॉर्मूला। तो इस पर बैठा तो जल्दी समझ जाओ, नहीं तो आप जैसे करते हैं वैसे कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 हमारा बन जाएगा आपसे, चलो बन जाएगा, अब जैसे भी बना लिया वैसे बना लो या डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके बना लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 है, इसमें पूछा जा रहा है फैक्टर है, ये पूछा जा रहा है कि जो दिया हुआ है ऑप्शन में किसका ये फैक्टर है। तो हम क्या बोले हैं कि वैल्यू बैठा के देखो, इसमें वैल्यू बैठा करके देख लो, जो जीरो हो जाएगा वही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, और नहीं तो कॉमन निकाल लो, ठीक है। इसको हम कॉमन निकाल के देख लेंगे कि किसका ये फैक्टर है, ठीक ना। तो देखते हैं, पहला हमारा ऑप्शन है एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू, यहाँ से क्या आपको कॉमन मिल रहा है, तो एक्स स्क्वायर मिल रहा है, एक्स स्क्वायर बाहर निकाल देंगे तो यहाँ पर एक्स माइनस टू, और यहाँ से क्या मिल रहा है, यहाँ से आपको सिर्फ वन मिलेगा जो कि इस प्रकार से मिलेगा, तो ये तो नहीं है, ठीक है, सेम नहीं मिल रहा है, सेम नहीं मिल रहा, तो ये आंसर ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी में चलते हैं, बी में कॉमन निकालो आराम से, तो ऑप्शन नंबर बी हमारे एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू, ये ऑप्शन लग रहा है कि ये होगा सही, ठीक है, एक्स प्लस टू, और यहाँ भी बचेगा एक्स प्लस टू, वो वन कॉमन निकालेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा प्लस में वन कॉमन निकालेंगे, यहाँ पर जगह एक्स प्लस वन और यहाँ पर एक्स प्लस टू, क्या ये फैक्टर है, नहीं हमें ये चाहिए, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ए बी दोनों में से कोई नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी की तरफ चलते हैं, हमारा सी एक्स प्लस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स
माइनस टू, ठीक है, ये माइनस एक्स है, यहाँ से हम कॉमन निकालेंगे इसमें से एक्स स्क्वायर, तो यहाँ एक्स प्लस टू बचेगा, यहाँ से माइनस वन निकालेंगे एक्स प्लस टू यहाँ भी बचेगा, ऑप्शन नंबर हमारा यही सही है, ठीक है, एक्स प्लस टू। अब ये कैसे सही है अभी बता रहे हैं, इतना समझ में आया। चलो इसको हम क्या करेंगे, अब यहाँ देखो ए स्क्वायर और यहाँ पर कुछ नहीं तो वन चढ़ा सकते हैं स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आपको पता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और ये जैसे है वैसे हो गया, ऑप्शन ये है, ठीक है, मिल रहा फैक्टर है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा करेक्ट। ऑप्शन नंबर हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, ये हमारा लास्ट है, ठीक है। इफ एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर दिया हुआ 9 और एक्स वाई प्लस वाई जेड और प्लस जेड एक्स बराबर दिया हुआ 23, ठीक है। तो हमसे पूछा क्या जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, ठीक है, इसका वैल्यू क्या होगा। देखो इसका फॉर्मूला ही होता है, ये जो दिया हुआ है ना ये फॉर्मूला ही होता है, दोनों को मल्टीप्लाई होता है। देखो इसमें कैसे होता है, इसका फॉर्मूला ही है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये फॉर्मूला होता है। अब बताओ इसका वैल्यू कितना दिया, 9 दिया हुआ, इसका वैल्यू कितना दिया, 23 दिया हुआ, इसका मल्टीप्लाई करना होता है 27 के साथ, 2 18 और 2 20, ठीक है, तो 207 किसमें है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। तो ये हमारा था आज का लास्ट क्वेश्चन, बताना दोस्तों कि हमारा वीडियो कैसा लगे, ठीक है, और आपके लिए हम जो भी और चैप्टर आएगा, अभी तो चैप्टर नंबर 2 है, अगला चैप्टर भी आएगा जो कि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा और प्रीवियस ईयर जो भी पूछा हुआ सब रहेगा, ठीक है, तो आप हमारे चैनल से बने रहेगा ताकि हमें आपको जल्दी से वीडियो मिले और आपको देख ले, और आपका हम चाहते हैं कि आपके 9th क्लास में ग्रेड अच्छा है, ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।